साथियों, हम गायक कलाकार राजा राम भारती और साथी अपने पूरी टीम की ओर से एक छोटी सी गीत बिरहा के रूप में प्रस्तुत है। सौजन से समा फिल्म स्टूडियो जनपद महाराजगंज की ओर से संगत कर रहे हैं राजकुमार साहनी जी, अनिल शर्मा जी, ओम प्रकाश भारती जी और जय गोविंद यादव जी। आइए मास्टर सर लगाइए। साधले साधना में जो स्वयं आपको साधु कहता वही सच्चा साधक। जन्म से कोई ऊंच नीच होता नहीं, कर्म से ऊंच नीचा बनाया गया। कर्म से ऊंचा पद पाया रविदास जी, जिनका उपदेश दुनिया में गाया गया। भैया यहाँ एक लाइन गजल का लाइन लग गए बाबा स्टार। काहे ये दिल के बीच में दीवार हो गई, से बढ़िया फर्ज कवि सुरेश चंद यादव जी लिखलन कहल गई। काहे के जाति पात्र में समाज बटल बा, काहे के जाति पात्र में समाज बटल बा, काहे के जाति पात्र में समाज बटल बा, काहे के जाति पात्र में समाज बटल बा। मालिक ने सब को रविदास जी के बारे में लिखलन नजम का लाइन लगल मास्टर। विश्व में विख्यात है काशी की स्थली, करती है सत्संग जहां भजन मंडली। छप्पन और माघी पूर्णिमा काशी में पैदा हुए रविदास सूरमा, पिता का नाम रघु और माता थी रघुनिया, पिता का नाम रघु और माता थी रघुनिया। आ गई दलित के घर सूरज की किरणिया, उभरी हुई थी छाती और गोर बदनमा, ऊंचा था ललाट और कमल नैनमा। देखने में राजकुमार लगते थे ज्ञानी, साधु संग मिलकर के सुनते थे कहानी। बचपन से साधु सेवा उनको मन की प्यारी थी, अच्छी शिक्षा तो साधु की देनदारी थी। संवत 1456 में माघी पूर्णिमा के दिन काशी के नगर में जन्म लेना रविदास जी, जेकर पिता के नाम रघु बतावल गई, माता रघुनिया रानी। बड़ा सुंदर बड़ा स्वस्थ बेटवा पैदा भइलन और बचपने से साधु
संतन के सेवा करे लगलन। साधु संत जहाँ खिस्सा कहानी के यहाँ बैठ के बड़ा प्यार से सुनन। आ जब साधु संत के बात सुने लगलन धीरे धीरे सयान भइलन। आ धीरे धीरे सयान भइलन मास्टर कहलन तर्जबा कि चढ़ली जमनिया का झोंका अरे चढ़ली जमनिया का झोंका हो रुकी नहीं कितनो तू रोका चढ़ली जमनिया का झोंका रुकी नहीं चढ़ली जमनिया का झोंका रुकी नहीं कितनो तू रोका। लेकिन गनमा में कबीर जी संत रविदास जी के बारे में बतौलन जब धीरे धीरे सयान भइलन साधु संत के सेवा भी करन पढ़ाई लिखाई भी करन और करे साथे साथे घर में गरीबी रहल तो जूता बनाने के काम करें जूता बनावे बेचें नया जूता भी बनावे और पुराना जूता के मरम्मत भी करें। कभी जी लिखलन का अरे रवि के समान रविदास हो अरे रवि के समान रविदास हो कि घर ही बनावे न जूता सतसंगत समय के निकाली कर सतसंगत समय के निकाले और देख के चरे लगला ब्राह्मण बवाली देख के चरे लगल ब्राह्मण बवाली। ए भैया रविदास जी के भक्ति देख के ब्राह्मण सब चरे लगल कहे अरे चमार करे भक्ति में विकास हो चमार करे भक्ति में विकास हो कि घर ही बनावे न जूता ए भैया ब्राह्मण लोग देख के जरे लगलन की एक चमारे के जात भक्ति करता तो हमन के ब्राह्मण होके का कइल जाई एलियन तरह तरह के उपाय करें लोग कि कैसे ही भक्ति छोड़ दम कहीं राजा की यहाँ शिकायत करें कहीं अपने में पंचायत लोग ठान दम। आखिर एक दिन जाके उनके बाबूजी से लोग कहलन रविदास जी के बाबूजी से जाके शिकायत कहना लोग कैसे मास्टर अरे सुन कैले रजवी यह तर्जबा ब्राह्मण लोग इकट्ठा होके जाके रघुराम से कहलन कि लड़का संभारिला अरे लड़का संभारिला हो लड़का संभारिला तू आपन कहला ब्राह्मण सुनिला रघुराम हो कि लड़का संभारिला तू आपन कहला ब्राह्मण सुनिला रघुराम से कहना कर समझाइबा ना तो बड़ा पछताए पड़ी तुहारो जिंदगी बर्बाद हो जाइए लिए विचार करा ना ही समझाइबा तो बड़ा पछताइबा ना ही समझाइबा करावा धंधा काम हो लड़का समारिला तू
भैया कहा लो की जवन तुहार जाति जवन तुहार करम बा उहे काम करावा, चमड़ा के धंधा काम करावा, इनके भक्ति भाव को इधर छोड़ ना, भक्ति भाव के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बड़ा बुरा हो जाए। आखिर उनके बाबूजी के बात भा गई और उनके बाबूजी के मन में बात बैठ गई। एक लाइन तर्ज मास्टर, पारंपरिक गीत है हमारे जमाना में, हमारे उम्र को धीरे धीरे 95 बरस हो गए बाबू। अरे बाबा, हमारे उम्र में शादी ब्याह है, लोग गाँव है, का गाँव है, आधे माड़ा में गुआ के लोग हो, आधे माड़ा में गुआ के लोग हो, आधे में सजना हमार हो, आधे माड़ा में गुआ के लोग हो, आधे में सजना हमार हो, आधे माड़ा में गुआ के लोग हो, आधे में सजना हमार हो। यही तर्ज में लिखे पड़ा रघुराम अपने बेटवा रविदास के समझावत मन सोच के मन में विचार करे थमन। पिता रघुराम सुन के ब्राह्मण के बतिया हो, पिता रघुराम सुन के अरे ब्राह्मण के बतिया हो, मन मन में कहीं न विचार हो, बिगड़ जात बा, साधु के चक्कर में पड़ गई, सोचत हो सचमुच साधु के चक्कर में पड़ी के हो, सचमुच साधु के चक्कर में पड़ी के हो, रविदास हो जन्म बेकार हो, समझाओ तो एक बात कहलन। लोना कुमारी से सबिया कराई दिहल घर में अली बहुआज हो, अरे कहल रघुराम जाके बहरे कामा के खैया, कहल रघुराम जाके बहरे कामा के खैया, घर से दिहल ब्राह्मण लोगों के बाती के चक्कर में फंस गए। रघुराम अपने बिटवा के शादी कर दिलन, मतलब रविदास जी के शादी हो गई, लोना कुमारी से शादी हो गई। शादी बीतले के कुछ हुए दिन के बाद रघुराम कहलन कि तुहार बसर हमारे घरे हो ना पाई, बाबू अपन मेहरारू लेला अलगे हो जा, कहीं बहरे जा, कमैया खैया अपने मेहरारू के लेके किनारे हो जा, हमारे में मत रहा। बड़ा कष्ट भइल रविदास जी के, बड़ा कष्ट भइल कि बाप के बात काहे टारे, चल जलन अपन मेहरारू लेके घर से निकल गई। जब निकल गए ना देख रहे तरस भाई मास्टर जी, प्रकाश भैया कि चल पिया नई हर नो करिया लगाई दी, चल पिया नई हर नो करिया लगवाई दी, चल पिया नई हर नो करिया लगवाई दे, खुरपी थमाई दे ओ खांची थमाई दे, और छीले न जावे तू छील के बताई दे, चल पिया नई हर नो करिया लगवाई, लिखलन कवि जी की
रविदास जी अपन मेहरारू लेके घरवा छोड़ देलन ये बाबू। आ जब घरवा छोड़ देलन लिखे तो पड़ल तो चल दिहलन और चल दिहलन रविदास दुलही लियाई के। गंगा किनारे पहुँचलन एठो मड़ई बनौलन ओहि मड़ई में बसर करे लगलन। कम पैसा में अपन धंधा शुरू कैलन जूता बनावे लगलन। न हो मास्टर गोविंद भैया जूता बनावे लगलन बेचे लगलन और पुरान जूता के मरम्मत भी करे लगलन। ये तमाम तरह से टीवी में मोबाइल में लोग देखते हो कितना तरीके से परेशान कर लोग रविदास जी के बाद तरह तरह से लोग परेशान कर लेकिन अडिग रहलन अपने भक्ति पे अडिग रहलन अपने कर्म पे अडिग रहलन। जो उनके कर्म रल जूता बनावे दू पैसा कमाई होके अपन परिवार के जियावे और समय निकाल के भगवान के भजन भी करे लगन। कहल गई तो जूता बनाम कर हरि के भजनिया जूता बनाम कमाई बन गया पक्का मकनिया। धंधा चमकल जूता बड़ा बढ़िया बनावे मरम्मत भी करे नया जूता बनावे धंधा चमकल कमाई भइल। आ जब कमाई भइल तब दुल्हन के और अपने रहे भर के पक्का मकान बनवा ले। आ जब पक्का मकान बनवा ले रहे लगन चर्चा फैल गई। चर्चा फैल गई मास्टर तेर के लाइन बा आए कठवत में जकरे गंगा मैया कठवत में जकर गंगा मैया सब ही जान गई मन रविदास के चंगा। सब ही जान गई मन रविदास के चंगा कठवत में जकरे गंगा मैया। बाबू अपन काम से अडिग रहलन अपन काम करन जूता बनावे चप्पल बनावे बेचन और भजन भी करे लगलन। कहल गई फैल गई चर्चा दुनिया में। अरे फैल गई चर्चा दुनिया में रविदास जी है महान। सामाजिक सुधार तो है करते सामाजिक सुधार है करते बतलाते हैं कर्म प्रधान। जीवको उपार्जन कर्म से करते जीवको उपार्जन कर्म कर से करते नहीं लेते हैं भिक्षा दान। जाति जन्म से कोई ना ऊंचा ऊंचा कहलाता है ज्ञान। गलत जात कोनो जन्म से ऊंच नीच ना होला कर्म से ऊंचा होला ज्ञान से ही ऊंचा होता है। बाबू सब लोग से कथा भी सुने लगल उनके विचार उनके बाणी के भी लोग सुने और जूता बनवावन के जो पैसा होके जो मजदूरी होके दे लोग ये तरीके से चर्चा फैल गई। आ जब जाते चर्चा फैल गई बाबू रविदास जी के हो पहपट में कभी जी लिखलन का अरे चित्तौड़गढ़ की झाली रानी आई काशी नगरी में। अरे चित्तौड़गढ़ की झाली रानी आई काशी नगरी में तो रविदास का महिमा सुन हर साई काशी नगरी में। नगरी में जब मेला लगेला वही मेला में चित्तौड़ के झाली रानी एली सुनली की कौन रविदास जी होन। जाके कथा सुनली कथा सुनले के बाद शिष्या बनली उनसे गुरु ज्ञान ले ली अपन गुरु बनौली। इतना ना तो यगमा के बतिया सुनो जे काशी के नरेश काशी के राजा रहल
उन विग्रह ना उनके जब खबर गई कि हमारे राज हमारे नगर में रविदास जी माने जकर कीर्ति चारों ओर फैल गई, हमें ही केना जान पौली सोचत हमन। रविदास जी से प्रभावित भइनन, अरे काशी के नरेश हो, रविदास जी से प्रभावित भइनन, काशी के नरेश हो, सिंहासन पर बैठा अपने, अरे फैल गइल संदेश हो, तो रविदास को रानी गुरु बनाई काशी नगरी में, अरे रविदास को रानी गुरु बनाई काशी नगरी में, अरे शिष्य बनली बाद में मीराबाई काशी नगरी में। काशी के नगरी में जब राजा साहेब अपने घरे बोलौलन, उन सबने सिंहासन पर बैठा के रविदास जी से ज्ञान के बात सुनलन, अच्छा लगल। रानी घरवा में रहली, रानी निकल के अली कहली महाराज हम इनसे चेलिन बनल चाहते हैं, गुरु बनावल चाहते हैं। राजा ने आज्ञा दिया, रानी रविदास जी से गुरुमुख भैली। और कुछ दिन के बाद मीराबाई भी अली वहाँ, जब मीराबाई अली उन्हों के पता चलल तो वो गुरुमुख हो गयी, गुरु बना लहली। आज जब संत रविदास जी के गुरु बना ले, मीराबाई को कौन नहीं जानता है, पूरे विश्व में लोग मीराबाई को जानते हैं। मीराबाई रविदास जी के चेलिन बन गयी। आज जब चेलिन बन गयी भैया, वह राजा परिवार की लड़की, राजा परिवार के बर्दाश्त ना भइल, लगन लोग समझाए मीरा तुम एक चमार का भक्ति करना छोड़ दो, गुरुमुख भइल बड़ू तुर द माला वाला, चमारे से गुरुमुख भैली ठीक नहीं बा। लेकिन नहीं मानी, कहले कि हमार गुरु हुई हम उहे रही हम जान जाई चाह रही, हमारे जो भी हैं रविदास जी हैं, मैं उनको मानूंगी, मानती हूँ, मानती रहूंगी। ये बतिया सुन के देख ना गेलो राजा परिवार के, आखिर भैल का मास्टर अलग लाइन बा। हाय दिमाग क्रेक हो गई भाई, तो खाली रविदास रविदास रटत बाड़ी। राणा को रहा नहीं गया, उस खानदान का राजा था राणा, जहर घुरवा के कटोरिया में जहर घुरवा के और अपने नौकरानी से भेजो ओलस कलस तुहार गुरु जी। कले उतर कहा दे ना पी, कहना कि तुहार गुरु रविदास ही चरणामृत भेजो ओले माना पीला। उदासी ले गई जहर घोर के आ मीरा बाई के दहले बा, कहल गई भैया लगल मास्टर प्याला जहर प्याला जहर के राणा मीरा के पठा हो जी हले। अरे चरणाई मिल समझ के मीरा पियली हर सा, चरणाई मिल समझ के जब जहर के प्याला मीराबाई पी लेली, गुरु के कृपा से बच गईली। ई खबर जब राणा सांगा के पहुंचल, चकित हो जाता है कि इतना जहर, इतना कीमती जहर
पी के मीरा बच गई। हो ना हो कोई जादू है रविदास में, कोई जादू है कोई माया है। आजा शर्मा जी जाके मीरा बाई से कहलस कि अपने गुरु के बुलावा हमनों के उनके चेला बनल चाहल जाता। अपने गुरु के बुलावा उनसे हमन के गुरु गुरु दीक्षा लेल जाई, गुरु बनावल जाई। जब मीरा बाई बोलौली ये बाबू, उनको तो चेला नहीं बनना था, खाली उनको द्वेष था, जलन था, किसी तरीके से रविदास को हटाना था। बोलौला लोग रविदास जी कथा कहें, दिनवा की कथा कहें, फिर रतिया के 12 बजे कथा कहें, 12 बजे रात तक कथा कहने के बाद सभी लोग आराम करते थे, रविदास भी सो जाते थे। एक दिन रात के राणा सांगा अपने सैनिकों के साथ पहुंचा, जहां सुतल रविदास जी भाला मार के मुआ दिला से बाबू। आ जब भाला मार दिल रविदास जी मर गए, हल्ला मचवा दिल की रविदास जी अपने आप अपने हाथ से भाला मार करके स्वर्ग को सिधारे हैं। और वो कह करके गए हैं कि जो आया उसे जाना पड़ेगा, इसलिए रविदास जी खुद अपने हाथ से भाला मार करके मर गए। ऐसन ऐसन लोग ये धरती पर रहला ना, बाणे अब वो बाणन अब वो अंगूठवा कटवाओ तो सब तब एकलब का अंगूठा कटवाओल जात रहा। अब शिक्षा से वंचित करके हमारा और आपका अंगूठा काटा जा रहा है। खैर बात राजनीतिक की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ। गाना के लास्ट लाइन में मरते समय जाइए मरे वाला रहना रविदास जी, वो दिनवा साझी के कथा में जितना लोग जुटल उनसे बात कहल एठ बात बतौना लास्ट उनके संदेश रहल चलता बापटे। अरे एक आत्मा सबके घट में चाहे ब्राह्मण या चमार हो। रविदास जी कह गए कि एक ही आत्मा सबके घट घट में है, चाहे बावन हो चाहे चमार, इतना ना जीव जंतु जानवर जो भी है सबके घट में एक ही आत्मा रमण करती है, वही परमात्मा का आत्मा, परमात्मा जी जो दिए हैं वही सबके घट में है। ये लिए कहल गई एक आत्मा सबके घट में चाहे ब्राह्मण या चमार हो। अरे कहला रविदास ईश्वर है निरंकार हो, कहला रविदास परम धाम चले गए। आखिर उपदेश देकर के चले गए, दुनिया को छोड़ दिए रविदास जी, बड़ा अत्याचार हुआ उनके साथ, दुनिया को छोड़ दिए, कहल गए तो गई ना परम दास, गई ना परम धाम रविदास जी चेताई। अरे जाति पात ऊंच नीच भेद द मिटाई, समाज का सुधार हो। सभी लोग मिलजुल के समाज का सुधार करेंगे तब जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। रविदास जी ये संदेश देकर चले गए, लेकिन आज भी वो नफरत का बीज पनप रहा है, ढोंगियों को देखा नहीं जा रहा है और अनुसूचित जात के लोगों के साथ अत्याचार दुराचार अब भी हो रहा है। इसके लिए सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। काहे से अब तो पार्टी पार्टी में लोग बट गए बोलो, अनुसूचित जात के लोग यही नहीं समस्या बा। पार्टी कोई भी उनके अपने हक अधिकार के लिए जो आपके हक की बात करता हो उसके साथ चलना चाहिए। गई ना परम धाम रविदास जी चेताई, जात पात ऊंच नीच भेदभाव तो मिटाई। अरे मिलजुल के कर लोग, मिलजुल के कर लोग, अरे समाज का सुधार हो, कहना रविदास ईश्वर है निरंकार हो, कहना गीत के समाप्ति के साथ साथ अपने अनुसूचित वर्ग के लोगों से कहते जो बड़का टीका लगावे ला लोग, कितनों बड़हन टीका लगा ला लेकिन वो मनुवादी तो उनके पसंद ना करी हम, ये लिए चाहे टीका लगाओ चाहे ना लगाओ लेकिन अपने समाज के साथ मिलजुल के रहवा लोग तब जाके भलाई बा। गाना के आखिरी लाइन गुरु घराने के परिचय, तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मोर पावन, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल जी पावन। अरे बच्चन चंद्रिका स्वर्ग बसे, अरे कवि सुरेश का गीत सुहावन हो। कठवत में जे करे गंगा मैया, अरे कठवत में जे करे गंगा मैया, ओपी राजा राम का मनमा होई।